drifted from darkness into light. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके हिंदी टेक्निकल चैनल माय स्मार्ट स्टफ में। और दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई टेक्निकल वीडियो या फिर किसी टेक न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो नहीं है, बल्कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज है 1 अक्टूबर और आज 1 अक्टूबर को मेरे 500 फैमिली मेम्बर कम्प्लीट हो गए। यानी कि दोस्तों, आज हमारे चैनल माय स्मार्ट स्टफ ने 500 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, ये 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मैं ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि दोस्तों, अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो फिर इंसान की खुशी नहीं झलकती। लेकिन दोस्तों, इस 500 सब्सक्राइबर को मैंने पाने के लिए 1 साल का समय दिया है। अब मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि 1 साल मुझे कैसे लगे हैं और क्यों लगे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कि मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ जुड़े हैं। मैं उन सभी 500 फैमिली मेम्बर को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम पे भरोसा कर रहे हैं। कई ऐसे फैमिली मेम्बर आए भी जिन्होंने हम पे भरोसा नहीं किया और बीच में हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मैं इन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि आज तक मुझसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज 500 फैमिली मेम्बर कंप्लीट होने पर मैं आप सबके सामने आपके चैनल में स्मार्ट स्टेप से जुड़े हुए कुछ सफ़र को बताने वाला हूँ। दोस्तों, यह सफ़र जो है हमने शुरू किया था पिछले साल 16 अक्टूबर 2016 को, यानी लगभग 1 साल पहले हमने यह चैनल स्टार्ट किया था। इस चैनल पर शुरू में हमने कुछ वीडियो डाले जो कि शायद लोगों को पसंद नहीं आए। मैं भी यही चाहता था कि मैं 1-2 वीडियो ही डाल के फेमस हो जाऊं, लेकिन YouTube पे आप सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। फिर मैं कंटिन्यू मेहनत करता गया। कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं आदर्श मानकर उनके वीडियोस को देखता और उनकी तरह मैं भी करने की कोशिश करता, हालांकि मैं ऐसा नहीं कर पाया। और लगभग 40 से 45 वीडियो डालने के बाद मैं थक हार कर मैं गिव अप कर लिया। उस समय मेरे सब्सक्राइबर की संख्या लगभग 110 के आसपास थी, जो कि मैं यही सोचता था 110 सब्सक्राइबर से क्या होता है। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता था तो 1 या 2 व्यू ही आते थे। फिर मैंने गिव अप कर लिया। गिव अप करने के बाद मैं हमेशा 1-2 महीने में 1-2 बार चैनल को ओपन करके मैं देखता रहता था कि चैनल की क्या कंडीशन है, लेकिन कोई ग्रो नहीं था, व्यू भी नहीं बढ़ते थे। इसी बीच पिछले महीने में मैंने चैनल को ओपन किया तो मैंने देखा कि मेरे 10,000 व्यू से ऊपर चले गए हैं और मेरे जो है एड मोनेटाइज हो गया है। उसके साथ ही मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 300 से ऊपर थी, तो मुझे लगा क्यों ना एक बार फिर से थोड़ा प्रयास करके देखते हैं, और मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया। और पिछले 1 महीने से मैंने फिर कुछ वीडियोज अपलोड किए, और अपलोड करने के साथ अभी भी मेरे व्यू कुछ ज़्यादा नहीं आते, 8 से 10 व्यू, 15 व्यू ही आते हैं। लेकिन सब्सक्राइबर की संख्या प्रतिदिन 5-10 बढ़ती जाती है, और आज 1 महीने बाद मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 500 के करीब पहुँच गई है, और मैं आज ही 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर के आसपास में 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँगा। दोस्तों, मैं आप सबसे एक और विनती करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो हमसे जुड़े रहिए, और जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं मैं चाहूँगा कि वो अपने आस पड़ोस या फिर अपने दोस्तों मित्रों को भी कहिए कि वो हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि आगे मैं अपने चैनल के कंटेंट में सुधार करने वाला हूँ, कुछ अच्छे वीडियोज अपलोड करूँगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई भी अगर गलती करे तो कोई पीछे से इंसान बताने वाला होना चाहिए। जैसे कि एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए उसके गुरु की, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें भी आगे बढ़ने के लिए किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और वो मार्गदर्शक आप ही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें कमेंट करके हमें बताएं कि क्या हमारे वीडियोज़ में कमी है, ताकि हम ग्रो कर सकें। क्योंकि दोस्तों, अपनी गलतियाँ कोई अपने से नहीं समझ पाता है, उसे हमेशा यही लगता है कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन सामने वाला ही बता सकता है कि उसमें क्या कमियां हैं। तो आप हमारी कमियों को कमेंट करके बताइए ताकि हम सुधार कर सकें। और दोस्तों, हमारा टारगेट यही रहेगा, यही अक्टूबर का महीना चल रहा है और दिसंबर कंप्लीट होते होते हम 5,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। तो आप सबका दुलार प्यार ऐसे ही अगर बना रहा और आशीर्वाद बना रहा तो हम जल्द ही अपने इस मुकाम को ही हासिल कर लेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे कहना चाहेंगे एक बार और फिर से कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ 1 दिन तक जुड़े रहें, और आगे भी जुड़े रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टेक्निकल न्यूज़, कुछ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।